जामनगर खाते सशस्त्र सीमा बलना जवानों ने छेल्ला 10 महीनाथी तालीम आपवामां आवी रही छे, जेमां एसएसबी ना जवानों ने सरहदी सुरक्षा ने लगती विविध तालीम आपवामां आवी रही छे। आ जवानों नो दीक्षांत परेड समारोह योजायो हतो। भारत ना विविध प्रांतों ना कुल 290 जवानों नी पासिंग आउट परेड एसएसबी ना उपमहानिरीक्षक आर एस शेखावत नी उपस्थिति में योजाई हती। और ये 290 आज पास आउट हुए हैं, कुछ जो है कुछ उसमें रिलीगेट हो गए हैं, कुछ किसी वजह से बीमारी की वजह से रह गए हैं, तो ये 290 आज पास आउट हुए हैं। आ दीक्षांत परेड समारोह में जवानों ने वफादारी ना शपथ लेवड़ावामां आव्या हता। एसएसबी ना उपमहानिरीक्षक आर एस शेखावते जवानों नी परेड नी सलामी झीली हती। परेड बाद योजायेला जवानों ना कर्तव्योए सौना दिल जीती लीधा। आ जवानों देश नी नेपाल अने भूटान बॉर्डर पर फरज बजावी देश नी सुरक्षा में वधारो करशे। इनके जो और जो दूसरी गतिविधियां की गई है तो उसको देख के लगता है कि मोराल बहुत अप है इनका, और ये जाके जो हमारी जो नई वाहिनी बन रही है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और जो भारत नेपाल सीमा, जैसा मैंने पहले ही बताया, खुली सीमा है, भारत भूटान सीमा है, खुली सीमा है, जिसमें पेपरलेस एंट्री है, किसी किस्म की कोई कागजात की जरूरत नहीं होती आने जाने के लिए। तो ऐसी महत्वपूर्ण सीमाओं को जो चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए जिस क्षमताओं की जरूरत होती है, इन ये सारी क्षमताएं इन जो रिक्रूट सेल में मौजूद है। परेड बाद जवानों द्वारा एक कार्यक्रम रजू करवामां आव्यो, जेमां दुश्मनों साथे केम बात भेड़वी ते अंगेनुं निदर्शन करवामां आव्यो। तालीम दरमियान सुंदर कामगिरी बजावनार जवानों ने शील्ड एनायत करवामां आव्या हता। आ समये मोटी संख्यामां जवानोना परिवारजनो अने अधिकारीओ उपस्थित रह्या हता। केमेरामेन अमरीश चांद्रा साथे रवि बुद्धदेव, वीटीवी जामनगर। अमरीश कुमार।